Hello everyone, welcome to your All in Maths online classes. Today is 22nd of July 2021. Today is Thursday and this is for third standard. We are doing our chapter number 6 divisions and we are on 6.5 now, okay? So, yahan pe aapko aaj seekhna hai division with remainder, theek hai? Ab division with remainder kya hota hai? Hum aapko samjhane ki koshish karenge. When the dividend cannot be divided fully, something is left over. This is called the रिमाइंडर. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता रही हूँ. सपोज हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं, आपको 2 बॉयज में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, आप क्या करेंगे, 7 को, 7 यहाँ पे डिविडेंड है, ठीक है, तो जो डिवाइजर है वो यहाँ लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 7 कब तक आता है. 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8. ठीक है, 2 फोर ज़ा 8 आ रहा है जो कि 7 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 2 थ्री ज़ा 6 लेंगे. ठीक है, यानी 7 से छोटा लेंगे, 7 आ नहीं रहा, ठीक है, 8 7 से बड़ा हो रहा है तो हम 7 से छोटा 1 लेंगे जो कि 6 होगा, 2 थ्री ज़ा 6 आ रहा है. ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगता है, 7 में से हम 6 माइनस करेंगे, 1 बचा. ठीक है, अब क्या हुआ, 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चों को हमने 3-3 पेंसिल्स, यहाँ पे आंसर आपका क्या आया, क्वेश्चन यहाँ पे 3 आया, दैट मीन्स ईच बॉय गेट्स 3 पेंसिल्स एंड 1 पेंसिल is left over. ठीक है, 3 पेंसिल्स, दोनों बच्चों के पास 3-3 पेंसिल्स इनको दे दिए गए और 1 पेंसिल बचा. ठीक है, तो जो ये बचा हुआ पेंसिल है वो हमारा रिमाइंडर है. ठीक है, कल के टॉपिक में हमने डिविजन पढ़ा, बट उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा था. उसमें क्या हो रहा था, सिंपल 9 को अगर 3 से करेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था, बट यहाँ पे आपको रिमाइंडर होगा और इन इसी को आपको करना है. फाइन, तो डिविजन विद रिमाइंडर का मतलब यही हुआ, जब भी हम डिविडेंड को फुली डिवाइड नहीं कर पाते और जो पीछे बचता है नंबर उसे हम रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, तो आपके 6.5 में जो ए पार्ट है उसमें क्या है, अरेंज 10 बलून्स इंटू 4 ग्रुप्स, सॉरी इंटू ग्रुप्स ऑफ 4 ईच. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 12 10 से बड़ा है तो हम 4 टू ज़ा 8 ले लेंगे. ठीक है, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बचा. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, क्वेश्चन हमारा 2 निकला और रिमाइंडर भी हमारा 2 ही बचा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं जहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो 8 बलून्स को हम 4 एक ग्रुप को देंगे और 4 दूसरे ग्रुप को देंगे, पीछे हमारे 2 बलून्स बचे, 2 बलून्स लेफ्ट ओवर. तो जो क्वेश्चन है वो भी 2 निकला और जो रिमाइंडर है वो भी 2 निकला. ठीक है, तो हमें इस तरह से ए पार्ट करना था. ओके स्टूडेंट्स, हम अब बी पार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर करना है. ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया गया है 42 डिवाइडेड बाय 5, हमें इसमें क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है. हम क्या करेंगे, 45 को 5 से, सॉरी 42 को हमें 5 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखते हैं 42 5 के टेबल में कब तक आता है. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45. 5 नाइन ज़ा 45 ज़्यादा हो रहा है 42 से, तो हम 5 एट ज़ा 40 लेंगे. ठीक है, इतना लिया, फिर हम 42 में से 40 माइनस करेंगे, दैट्स 2. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या निकला, 8, और हमारा रिमाइंडर क्या निकला, 2. ठीक है,
तो हमें इस तरह से करना है. मैं आपके लिए एक और एग्जांपल ले रही हूँ. यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है. इसमें भी सेम वही करना है, क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है. ठीक है, 19 और 2. देखते हैं हम 19 की टेबल, 19 जो है वो 2 की टेबल में कब तक आता है. 2 9 18 आता है, 2 10 20, 2 2 10 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 9 18 लेंगे और 19 में से 18 माइनस करेंगे, दैट्स 1. तो हमारा क्वेश्चन 9 निकला और हमारा रिमाइंडर 1 निकला. ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे. आपके बी पार्ट के जो क्वेश्चन है उसमें आपको 6 क्वेश्चन हैं, तो आप करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स. अल्लाह हाफ़िज़.